राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तनोय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो आज मेरी शुरुआत आप देखोगे पूजा से, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर होती है। तो मैं नहा चुकी हूँ और आज दीदी का फास्ट भी है। वैसे दीदी ने पूजा कर ली थी लेकिन मैं उठी हूँ, मैंने कहा क्या करूँ, काम भी मशीन लगी हुई है। आपको पता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहां से आने के बाद में कपड़े बहुत सारे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां से भी दीदी और शिवानी गंदे ही कपड़े लेके आई थी कि मतलब सूखेंगे नहीं। आपको पता है मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, फिर कपड़े गीले रहते, जल्दी जल्दी में ये करो वो करो, गंदे संदे कपड़े गीले उठाओ तो उन्हें फिर बदबू हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी फिर दोबारा वॉश करने पड़ते, फायदा कोई नहीं उसमें। तो इसलिए गंदे ही। और कुछ यहाँ पे कपड़े थे क्योंकि शिवानी एक दो दिन पहले ही घर से आई थी और फिर अचानक ही प्लान बन गया वहाँ पे जाने का, क्योंकि वहाँ आपने देखा मेला फंक्शन था और जागरण था मंदिर पे, इसलिए शिवानी और दीदी गई थी। तो अब फिलहाल इतने सारे कपड़े जो अब भी वॉश होंगे, बहुत सारे कपड़े जुड़े हुए हैं। मेन काम यही है, जो इस काम पे दीदी की ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी थी झाड़ू पोछा की, मैंने कर ली और नहाना, और अभी बच्चों को नहवाऊंगी। और अभी शिवानी आई नहीं है। अब आपको पता है शिवानी और दीदी अलग अलग रहती है, पहले दीदी और शिवानी यहीं रहती थी, शिवानी ऊपर रहती थी और दीदी नीचे रहती थी, लेकिन अब शिवानी आपने देखा था कैरा के बर्थडे वाले ब्लॉग में, अब शिवानी ने नया घर ले लिया, अब शिवानी वहां पर रहती है। तो अभी वो आई नहीं है, अभी और सारे कपड़े और ज्यादा कपड़े होंगे। तो इसमें आज दीदी की ड्यूटी है जिसमें शायद मुझे लगता है आज आधे से ज्यादा दिन जाना ही है। तो चलो आज का क्या रहेगा, कहीं हम जाएंगे कुछ करेंगे या नहीं, जो भी क्लिप होंगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, एंड तक जरूर देखिए। चाय उबड़ी है तो मुझे बता देगी। कंजूस नहीं, कंजूस की का बात देखी मैडम, कितने पैसा बर्बाद करें। यहाँ के दीदी कमेरी हो रही है और मैं और शिवानी थाली बैठी। तेरे बड़ा रेस्ट लिया ना तो सारा निकल करो तू ही सजा, मेरी सजा दे वो तू बैठी और हम करे तो जोर ना पड़े, अरे हम पे जोर पड़ रहा तू कर रही है, चल हम तेरी हेल्प करवा देते, क्योंकि हम बैठ के भी क्या करेंगे, कुछ काम और है नहीं। मैंने और अपना काम निपटा दिया, दीदी को ही रह रहा हो पर बड़ी आई हो हम पे, मम्मी देखे कितनों कह हम शर्म ना आई, बड़ी बहन काम कर रही, भूख लग रही है। ओ दीदी भूख लग रही है, बहुत लग रही है, भूख लग रही है आपको? नहीं नहीं लग रही आपको? लग रही है, इसे तो बहुत ज्यादा लग रही है, इसके चेहरे पे भी दिख रही है, मुझे भी लग रही है। आज हमारी सजा होगी, मैडम की हेल्प करवा रही और हेल्प उसे पसंद आती क्योंकि उसे अपना ही करा काम पसंद आ। आज हमने हमें सजा दिया उसने, जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जब मैं तुम्हारे खाना बनाऊंगा। क्या खाना है, चावल या रोटी चटनी? चावल चावल दोनों चावल। चलो मैं बनाती हूँ फिलहाल कुछ भी, मम्मा तो नहीं बनाएगी समझे हम खुद को, तो वर्त मैडम खाएगी नहीं तो हम खुद ही बना लेते और खुद खा लेते और अपने बच्चों को खिला देते हैं बस। अरे हम तो कपड़े बनाते, अच्छा विशाल है आज इनको अपने नाम चेंज करने, इसे रखना है विशाल और पार्थ को रखना है विकास, जो कि मैंने बोल दिया मैं नहीं रख रही तो बोल रहे हैं ठीक है तो हम खुद ही रख लेंगे। मेरा भी नाम विशाल है। नहीं एक का नाम है, वो है तेरा, इसका नाम नहीं है। कुछ भी दे दो, चलो तो अब हम चलते हैं, बच्चे भी सब जा चुके हैं।
हम भी आ रहे हैं थोड़ी देर बाद में। अरे उल्टी नहीं पहनती, सीधी चप्पल पहनती। आओ देखो, हेलो हेलो हेलो। बिजी बिजी भैया, बिजी बिजी चल रहे सब, व्लॉग में बिजी हो रहे हो हैं। चलो तो बनाते हैं। हेलो खिला ले। हेलो, चल ये तो घर की सोच है, जल्दी खड़ा हो, बता दो फिर मजा क्या आएगा आपको। और क्या पिक्चर भी आए इसको वो बता, अच्छी नहीं होती। हाँ अच्छी नहीं लगती तुम्हें तो, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ले आ करो, मैं ये खाऊंगा। अच्छा जी आप भी पियोगे? हाँ। आ जाए ले दी। मैं तो भाई को भी ढूंढने आई थी। मैं तो फल लेती हूँ।
जाएंगी। कैसे सुबह के आए हुए, रुक जा रुक जा। मम्मी मम्मा घर पर टू द ओके हमें जान दे रही और हम सुबह के आए हुए। हेलो सोएंगे हम आई भाई अपनी पुरानी ठेक पे। क्यों यार जैसे जब दीदी फ्लैट पे रह गई मुझे घरी नींद आ गई। अब भाई तू यहाँ आ गई ना हम भाई अलग अलग तो रह लगी सच में। तू आएगी ना तू अब ना सुनोगी पूरे दिन रही थे रही ना रही तो सोने ही तो जा रही बस। हाल है जब भैया भाभी के चले जावे पर नींद वहाँ आवे जब माँ बाप रह गए तो बहन दे मेरी बट्टी बहन जो रहे रो बात ही होगी ना शुरू तक वही सुन भाई रहे ना शुरू से हमारे तो बात तो सुन बात तो पास होएगा चल अब ना अब ही तेरे पास मुझे पास और हम तो अकेला। अब हम घर पे आ चुके हैं, हमारा खाना पीना सब हो चुका है। आपने देखा शिवानी मुझे रोक रही थी लेकिन मेरा बिल्कुल भी मतलब ये है कि दिन में तो वहाँ पे हम रुक गए थे लेकिन अब ये था कि हाँ हम सोएंगे यहीं पे क्योंकि आपको पता है हमें एक आदत हो जाती है सोने की। जैसे कि मैं कभी भी अपने ससुराल या मायके जाती तो मुझे ये नहीं होता कि हाँ आज मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे नींद आएगी नहीं। लेकिन अगर हम कहीं और जगह जाते तो मुझे ये रहता है कि हाँ मुझे क्या हर किसी को लगता है कि मेरी मम्मी को तो ये है कि अपनी खाट की इतनी आदत है अपनी खाट से अलग किसी की खाट पर नींद नहीं आती और मुझे अपने घर से कहीं अलग नींद नहीं आती। तो इन दोनों जगह तो मैं बिल्कुल मतलब फर्स्ट डे भी जाके सोती हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद आ जाती है जाते ही। लेकिन और कहीं जगह मुझे नींद नहीं आती है। तो आपको पता है दीदी और शिवानी अब अलग हुए हैं वरना पहले एक साथ ही रहते थे तो पहले हम यहाँ पे आते थे यहाँ तो हमें आते ही नींद आ जाती है। लेकिन अभी शिवानी न्यू वहाँ घर में शिफ्ट हुई है तो अब से पहले जब मैं कायरा के बर्थडे पे रुकी थी तो तब भी मैं यहीं पे सोई थी इसलिए मुझे यहीं पे नींद आती है। शिवानी बोल रही थी आपको मेरी कसम है आप यहीं रुक जाओ, मैंने कहा नहीं कसम मत दे लेकिन आज मैं यहाँ पे सोऊंगी नहीं। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं आप दिन में तो आ गए थे अब आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे घर पे आ गई हूँ तो पूरे दिन हमने बहुत इंजॉय किया बहनों के साथ की मस्ती। आप सब भी बहुत पसंद करते हो मेरे व्लॉग दीदी की और शिवानी के साथ में तो थैंक यू सो मच आप सबका और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय बाय गुड नाइट।